गाइस अपने स्टेडियम में मैच चल रहा है यार, सीरियसली यार आप देख सकते हो स्टेडियम में मैच चल रही है। मुझे ये देखना ना बहुत अच्छा लग रहा है, आप देख रहे हो स्टेडियम में मैच चल रही है हम पूरा मैच ना ऊपर से देख सकते हैं ड्रोन शॉट्स में। तो ऑल राइट गाइस, तो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ सिटी स्काईलाइंस। तो आज हम सिटी स्काईलाइंस में बहुत सारी चीज़ें डालने वाले हैं, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना, काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो आज हम मेनली हम फोकस करने वाले हैं ये कुछ चीज़ें, जैसे कि हम डालने वाले एक स्टेडियम, फिर हम डालेंगे एक इंडिया गेट, फिर हम डालेंगे एक बड़ी सी बिल्डिंग जो रॉकेट की तरह है, मेरा उसका नाम तो नहीं पता बट देखेंगे गेम में मज़ा बहुत आने वाला है। तो जैसे अभी स्क्रीन पे देख रहे हो ये मैं मेरा थंबनेल डाल चुका हूँ इधर, ताकि आपको एक आइडिया दिखे गेम शुरुआत करने से पहले। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था हमने बहुत सारे स्टार सिटी अपने हमने बनाया था, फिर स्टार सिटी में हमने एक गाँव बसाया था, फिर गाँव के आगे फिर एक शहर बनाया था, फिर शहर के बीच में हमने एक एजुकेशन सिस्टम बनाया था। तो मेरा एक प्लान है एजुकेशन सिस्टम में पूरा कैंपस एरिया करेंगे। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक नया हाईटेक सिटी। हाईटेक सिटी में जो पुराना सिटी था उसी के बाजू में मैंने बना रहा हूँ, आज एक नया हाईटेक सिटी बनाई है। हाईटेक सिटी में हम बहुत सारे हाई लेवल के बिल्डिंग्स डालेंगे, पूरे लेवल्स लाइक 4 या 5 लेवल के ही सारे बिल्डिंग्स होंगे, इससे कोई छोटी बिल्डिंग्स नहीं होंगी इसमें। फिर इसमें हम डालेंगे बहुत सारे मॉन्यूमेंट, जैसे कि अभी मैंने बताया एक बोटानिकल गार्डन डालेंगे, फिर एक हम एक स्टेडियम बनाएंगे। स्टेडियम अपने शहर में नहीं था कभी भी, मैं पहली बार स्टेडियम बना रहा हूँ। फिर मैं इसमें एक बस स्टेशन भी बनाने वाला हूँ, जो इंटरसिटी पर कनेक्टिंग बस स्टेशन होगा, जो काफ़ी बड़ा बस सिटी होगा, तो उसका भी हम एक करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये रहा अपना सिटी, मैं इसको थोड़ा सा मैंने एक लेआउट बना चुका हूँ अभी प्रीवियसली, मैं ऑफलाइन में एक वीडियो लेआउट बनाया था, तो अभी इसका थोड़ा सा काम पूरा करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको एक रोड इधर कनेक्ट करता हूँ, ये रहा रोड। तो ये पिकर टूल से हमें बहुत ईजी पड़ जाता है। तो ये रोड का क्या हो गया, ये मैं थोड़ा सा रब करके मैं थोड़ा सा ठीक करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही उलझा हुआ है। मैं थोड़ा सा सैंड को थोड़ा ना मतलब इस ज़मीन को मैं थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, लेवल करते हैं इसको। मैं नो पिलर सेलेक्ट करके देन इसको हम ऐसे करेंगे ताकि हमें करने में आसानी हो। तो होपफुली ये थोड़ा सा मुश्किल काम है क्योंकि मुझे लेवल करना ही पड़ेगा, वरना ये होगा नहीं। तो आई गेस इतनी इतनी पहले करके एक बार ट्राई करता हूँ। ओह नो, फिर से वैसे आ गया। ये ऑटोमेटिकली इधर एक पिलर ले रहा है या सामने से कुछ उलझा हुआ ले रहा है, तो दैट इज़ इसको मैं हटा के थोड़ा सा यहाँ पे मैं थोड़ा लेवल करने की कोशिश करता हूँ। ये रहा टूल, ओ भाई इतना बड़ा ब्रश। फिर हम एक रोड डालना ट्राई करेंगे, मैंने थोड़ा सा इसको ऊपर उठा दिया है एक्स लैंड को। आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो क्योंकि बहुत ही कम सब्सक्राइब। यस ठीक है, ऑल राइट अभी ये ठीक हुआ है, अभी भी थोड़ा सा ना थोड़ा सा ऊपर है तो इट्स ओके, क्योंकि इतना भी परफेक्ट नहीं होगा। मैं इस रोड को जल्दी से जल्दी जोड़ देता हूँ, इस रोड में यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके जोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि बाद में का वीडियो बहुत लंबा ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे मेरा वीडियो बहुत लंबा है, 30 मिनट 40 मिनट्स। यस तो ऑल राइट गाइस, ये रहा अपना लेआउट। फिर मैं यहाँ पे ये अपना सिटी मैं बोल रहा था एक बस स्टेशन हम डालने वाले, तो ये रहा बस स्टेशन, इसको हम बाद में कनेक्ट करेंगे। मैं अभी थोड़ी देर पहले इसको डाला था ऑफलाइन में, फिर मैं इस रोड को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। कहाँ से कनेक्ट करेंगे गाइस, आई गेस मैं इसको पिकर टूल की मदद से दोनों तरह से कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हाईवे है तो एक ही जगह पर हम कनेक्ट नहीं कर सकते। मैं इससे यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है डन, बढ़िया। मैं इसको यहाँ से यहाँ पर लेता हूँ, ऑल राइट यस, अभी थोड़ा सा ठीक है, इतना भी कुछ अजीब नहीं लग रहा है, थोड़ा सा ठीक है, इट्स ओके, काम चलाने के लिए ठीक है, ट्रैफिक तो थोड़ा सा मैनेज कर लेगा ही, तो इतना कोई इसमें हाईटेक होने की ज़रूरत नहीं है। तो वेल फिर ये रहा अपना लेआउट, आप एक बार नज़र डालो, बहुत ही काफ़ी ज़बरदस्त लेआउट है। मैं इसमें पूरा हाईटेक सिटी से डालूंगा, मतलब पूरे हाई रेजिडेंशियल जोन हम इसमें मार्क करेंगे। तो रहा मार्किंग टूल, फिर हम इसमें यहाँ पर मार्क करेंगे पहले। तो गाइस ये थोड़ा सा एडिटिंग के पार्ट में थोड़ा सा हिल रहा है, क्योंकि मेरे पीसी में कुछ मतलब ग्राफिक कार्ड नहीं, तो आई एम सो सॉरी फॉर दिस पार्ट ऑफ द वीडियो, आई डोंट नो इसको मुझे कैसे फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि उससे बिना ग्राफिक कार्ड के मैं एडिटिंग भी करता हूँ और इतने हाई क्वालिटी में आपको वीडियोज़ भी देता हूँ, तो मे बी शायद इसीलिए ऐसा होगा। तो मैं काम करता हूँ अगले वीडियो से मैं थोड़ा सा 1080p में रखता हूँ, क्योंकि 144p फुल HD में रखे कोई इतना भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1080p रख के देखता हूँ, अगर फिक्स हो गया तो माशाल्लाह वेरी गुड थिंग, अगर नहीं तो मुझे ग्राफिक कार्ड को डालना पड़ेगा। आप जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत छोटा चैनल है। तो आई गेस यू
अंडरस्टैंड, मैं इधर थोड़े पार्क करने की सोच रहा हूँ बट मुझे जगह नहीं मिल रही, मैं इसको थोड़ा हटाता हूँ। ये बीच में मैंने पैदल रास्ते डाला है क्योंकि अगर किसी को जाना हो तो पैदल ही चले जाएँ, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि हर बार में वो कोई गाड़ी लेके चले तो ट्रैफिक बहुत ही फालतू में ट्रैफिक बढ़ जाएगा। फिर मैं थोड़ा ये डालता हूँ, मतलब नहीं ये बहुत सारे चीज़ें खींच रहा है। ये कैस्टल हम डाल के देखेंगे, कैस्टल डालेंगे गाइस, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बच्चा आगे खेलते हैं इधर। तो बाकी की कुछ चीज़ें ठीक लग रही है, अभी लेआउट तो ठीक है, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें लगा। ओह घर भी बनना शुरू कर दिया गाइस इसने, इन्होंने। मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देखता हूँ, अगर पहले मैं थोड़ा ना इसको एक मॉन्यूमेंट्स डालते हैं इधर, एक ये बड़ा सा बिल्डिंग हम डालेंगे, पहले स्टेडियम डालते हैं इधर, एक स्टेडियम, स्टेडियम के लिए जगह बस नहीं है। फिर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये बिल्डिंग, हाँ ये बिल्डिंग तो ठीक बैठ रही है, तो पहले ये बिल्डिंग डाल देते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त बिल्डिंग है ये, नाइट में आपको दिखाता हूँ मैं, एक शॉट नाइट में देखता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी बिल्डिंग है। इसकी जो आसपास जो लाइट्स होते ना, वो लाइट्स बहुत ही काफ़ी ज़बरदस्त लगेंगे। ठीक है, इसको पानी चाहिए, रुक जाओ भाई, पानी हम देते हैं, पानी तो सबको चाहिए, पानी तो हम देंगे, एक मिनट रुक जाओ। देन फिर मैं इसमें डालता हूँ एक इंडिया गेट हम डालेंगे, ये क्या है इसका स्पेस में थोड़ा यहाँ पर देखता हूँ अगर हो सके तो। ठीक है, तू यहाँ पर लग जा, तो ठीक रहा है। फिर हम डालेंगे एक इंडिया गेट, इंडिया गेट ये रहा। मैं दूसरे अगर मैं कुछ देखता हूँ, ये म्यूज़ियम अगर आर्ट गैलरी का म्यूज़ियम, अरे ये तो बहुत छोटा है। देन अगेन हम पेरिस डाले थे, पेरिस का टावर, एफिल टावर नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल नहीं, पेरिस हम डालेंगे कुछ और जगह पे। ओ ये अपना बियर गार्डन, देन फिर ये है, देन नो ये तो बहुत स्पेस ले रहा है, बहुत बड़ा है ये सीरियसली, इसको मुझे अलग से बनाना पड़ेगा। यहाँ पर डाल दूँ क्या रॉकेट लॉन्चर? नहीं, हम एक काम करेंगे, रॉकेट लॉन्चर अगर मैं डाल दूँ तो बहुत मेसी हो जाएगा, हम रॉकेट लॉन्चर के लिए कुछ अलग जगह बनाएंगे, उस जगह पे हम रॉकेट लॉन्चर डालेंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा। देन बाकी काम मैं इसमें कुछ ये डाल देता हूँ अपना इंडिया गेट, मेरा प्लान तो यही था डालने वाला, फिर भी मैं एक बार ट्राई कर रहा था दूसरी चीज़ें डालने के लिए। कहाँ डालेगा इस इंडिया गेट, हम इसके आगे आगे डाल देंगे, बस ठीक लग रहा है। एक बार इसका सिनेमेटिक व्यू लेके देखते हैं, अगर ठीक लगेगा तो काफ़ी अच्छी बात है, वरना देखते हैं फिर। देन हमें एक इसमें एक मतलब पुलिस स्टेशन वगैरह डालना पड़ेगा, फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम डालेंगे, मैं देखता हूँ इसमें और हम क्या डाल सकते हैं। एक हॉस्पिटल में इधर लास्ट पे डाल देता हूँ, दो हॉस्पिटल डालेंगे क्योंकि इन लोगों को हेल्थ अच्छी चाहिए, फिर मैं हॉस्पिटल इधर लास्ट में डाल दूँगा, वो जो डाउन वाला एरिया था उधर पर हॉस्पिटल आ जाएगा तो ठीक है। ओह भाई ये लोग तो खुश हो गए, अभी इसमें कोई भी नहीं है, अभी इसे खुश हो गए, अभी इनको पानी की दिक्कत हो रही है। अब इनको मुझे यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पहले दे देंगे, यहाँ से मैंने इसको कट किया था इलेक्ट्रिसिटी जब मैं ये बस स्टॉप बना रहा था, और इनको मैं यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, देन मैं इनको यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी देना बहुत ही आसान काम लगता है यार इस गेम में, सीरियसली मतलब इसी है। वाटर लाइन बिछाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ना एक घर के बाजू अबे घर, अबे घर से बाजू अबे घर, वो मस्त आसानी से ले लेते हैं, ये अच्छा है ना। फिर इलेक्ट्रिसिटी तो ठीक है, फिर मुझे इनको पानी देना पड़ेगा, पानी मैं कहाँ से लाऊँ? पहले इनको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और देखते हैं, अगर इनको यहाँ से अगर मैं खींच के दे दूँ, वेल मैं एक मिनट देखता हूँ, पहले मैं पानी दे देता हूँ। ये क्या है, ये फायर स्टेशन है, मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पे, एक फायर स्टेशन होगा तो इजी रहेगा अपना। लग जा भाई, लग जा, लग जा, ठीक है डन। ये पेड़ अगर बहुत सारे हो ना तो पेड़ पे बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है, तो इसको मुझे पेड़ को थोड़ा कम करना पड़ेगा। मैंने एक ट्रिक इस्तेमाल किया है इसके लिए, मैं देखता हूँ एक बार अगर वो काम करेगी तो दे दें। फिर ये रहा एक और एक फायर स्टेशन, इस कोने पे कहीं पे लगाते हैं, यस डन। क्योंकि ये जो लेआउट है अपना, ये सिटी नहीं कह सकते हम, छोटा सा लेआउट है ये जो लेआउट है, ये हम इसको थोड़ा सा वीआईपी टाइप में बनाते हैं, पूरा हाईटेक बिल्डिंग्स होनी चाहिए इधर। इस लेआउट अगर बन गया तो सामने ऑफिस जाने के लिए लोग बहुत अच्छे रहेंगे, आई गेस ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा कि लोग बहुत कम है, ऐसा प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा, तो मैं इसी को फोकस करके ये चीज़ बना रहा हूँ। और बाकी एक लोग एक कमेंट करके मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करके एक बंदा पूछा था अपना कुछ सब्सक्राइबर, एक पीछे वाली कार का अपना क्या इशू, तो ये मैंने पेंटिंग नहीं किया था, इस चीज़ को मैंने लाके ऐसे बिठाया है, मेरी दीवार पीछे प्लेन है तो इसलिए इतना मस्त दिख रही है। इट्स माय फेवरेट कार, मैं थोड़ा उसको कैमरा में दिखा देता हूँ, इट्स निसान R34 सुप्रा की कॉम्पिटिटर आप कह सकते हो, इट्स अ वेरी गुड कार, मेरी बहुत फेवरेट कार है। तो आप भी इंस्टाग्राम में मुझे डीएम कर सकते हो, मैं बहुत जल्दी रिप्लाई करता हूँ इंस्टाग्राम में, कमेंट्स नगर नहीं कर दो, इंस्टाग्राम में डीएम कर दो प्लीज़, और फॉलो करो इंस्टाग्राम में, बहुत सारे रील्स भी मैं डालते रहता हूँ, तो इट्स गुड। फिर मैं डालता हूँ एक ये अगर मैं इसको यहाँ पे डाल, मैं इतना ये डालने की मैं सोच रहा हूँ बट इसमें अगेन प्रॉब्लम पता है क्या होगा, इसको मुझे कैंपस एरिया पर मार्क करना पड़ेगा, देन अगेन मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ क्योंकि जगह लग जाएगी, तो इसको हम रोड्स को क्लियर करते हैं।
अपनी जेसीबी चल खुदाई कर भी रखते हैं, हटा देते हैं। ये ना पैदल रखते हैं, इसमें भी हम कुछ भी नहीं रखते। मैं इसको हटा देता हूँ, मैं बाद में डाल देता हूँ। चलो मैंने हटा दिया, फास्ट फॉरवर्ड करके देन हम एक मॉन्यूमेंट डालेंगे। मैंने एक स्टेडियम डालना सोच रहा था, मैं एक स्टेडियम डालता हूँ क्योंकि स्टेडियम अपने मैप में एक भी नहीं था। तो हम एक कहाँ पे डालें, यहाँ पे डालें, परफेक्ट बैठेगा इधर। यस परफेक्ट है स्टेडियम, यस बढ़िया। देखते हैं स्टेडियम से कितनी कमाएंगे। ओ भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है स्टेडियम। फिर हम हाई डेंसिटी एरिया हम मार्क करेंगे। अभी हम पूरा एरिया हाई डेंसिटी एरिया पे मार्क कर देंगे। एक मिनट फिर से देखता हूँ अगर कुछ है सिटी में हम डालेंगे। वेल ठीक है, इसको यहाँ पे डालते हैं। बोटानिकल गार्डन है एक रहेगा तो उसके सामने स्पेस है तो अच्छा रहेगा। वेल ठीक है डन। अभी हम थोड़ा हाई डेंसिटी एरिया मार्क करेंगे। मैं थोड़ा टूल सेलेक्ट करता हूँ, फिर हम पूरा एरिया को हाई डेंसिटी एरिया मार्क करेंगे। लो डेंसिटी नहीं चाहिए अभी हमें, पूरा शहर बड़ा हो रहा है, लो डेंसिटी एरिया नहीं चाहिए अभी। मैं छोटा सा एक शहर बनाता हूँ, उसमें हम एक लो डेंसिटी एरिया सी बनाएंगे बहुत सारे, उसमें अच्छा लगेगा लो डेंसिटी एरियाज भी। फिर ऑल राइट, अभी हमें इसको पानी देना पड़ेगा, शायद पानी नहीं है इनके पास। मैं थोड़ा पानी का वाटर पे कनेक्शन देता हूँ। मैं कनेक्शन यहाँ से खींचता है, फिर पानी 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 पानी। इलेक्शन पे वोट दे दो भाई तुम लोग को, मैं फ्री में पानी देता हूँ। अरे नहीं गाइस, मैं एक्चुअली इनको पानी तो फ्री में दे रहा हूँ, मैं इनसे कुछ चार्ज नहीं कर रहा हूँ पानी के लिए। बस ये लोग घर बनेंगे तो उसी में हमें टैक्स से पैसे मिलेंगे, क्योंकि हाई डेंसिटी एरियाज पे टैक्स बहुत लगता है। तो एक उसी है, उसी के जरिए से हम इसमें पैसे कमाएंगे। हाई डेंसिटी एरियाज में बहुत सारे ज़्यादातर पैसे इसी से आएंगे। मैं इसको फटाफट से जल्दी देता हूँ पानी का कनेक्शन, मुझे टाइम दे दो। ये गजा इधर से देन यार ये थोड़ा सा बोरिंग काम लगता है मुझे ना, पाइप से कनेक्शन देना। भाई पानी भी ऐसा ले लेते तो ये ठीक रहता, बट एक्चुअली ये होगा भी नहीं शायद। मैं पाइप इधर से खींच देता हूँ ताकि इनको पानी की कमी महसूस ना हो, क्योंकि हाई डेंसिटी एरिया है तो लोग भी ज़्यादा रहेंगे तो पानी की कंजम्पशन भी ज़्यादा रहेंगे इन लोगों के शायद। इसको यहाँ पे फिर एक लास्ट पाइप आ जा भाई आ जा, यहाँ पे शायद यहाँ भी डालना पड़ेगा मुझे। हाँ वेल ऑल राइट, मैं लास्ट का पाइप इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ का ऑफिस जोन से भी पानी यहाँ पे आ जाएगा, यस बढ़िया। ऑल राइट, तो यार अपना ऑफिस जोन जो हमने पिछले वीडियो में बनाया था, तो ऑफिस जोन तो काफ़ी मस्त लग रहा है अभी, उसमें वर्कर्स की कोई इशू नहीं है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, मैं यहाँ पे एक मॉन्यूमेंट डाल देता हूँ। मैंने एक चीज़ देखी थी यहाँ पे अच्छा फिट बैठेगी, वो इन सबको मैं हटा देता हूँ थोड़ा। चलो भाई चलो चलो, तुम भी चलो। हाँ तक किसी को निकालो, इन सबको हटाओ भाई, हटाओ। ऑल राइट, अभी ये रोड को मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। इसका स्कूल का मुझे इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा शायद, मैं एक मिनट दे देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे देते हैं इसको। वेल ऑल राइट, अभी इन दुकानों को भी मैं हटा दूंगा आई गेस, इसमें थोड़ा इशू है उसको हटा दूंगा। इलेक्ट्रिसिटी हमने दे दी, अभी तो हट जाओ गाइस। यस डन, अभी वो स्कूल भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम इसको चला रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा। वेल ऑल राइट, हाँ मैं इसमें ये चीज़ लगाने वाला हूँ, ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था ये। मैं इसको यहाँ पे कहाँ पे प्लेस करूँ, इस रूट पे डालें या इस रूट पे डालें, हॉरिजॉन्टल अच्छा ऐसे बैठता है क्या, या मैंने सोचा ऐसा वर्टिकली बैठता होगा मैं। ठीक है ऐसे ही डालते हैं इसको, यहाँ पे बीच में। अरे इसको डालने के लिए वास्तु ठीक नहीं लग रहा मुझे, वास्तु ठीक ऐसे डाल दें, बीच में डाल दें, बढ़िया। ऑसम अमेजिंग, बढ़िया गाइस बढ़िया, ये बहुत ही अच्छा लगा। फिर मैं छोटा सा एक ये डाल देता हूँ जो देखते हैं बहुत ही अच्छा, इसको बाजू में डाल देते हैं, बाजू में शायद नहीं लग रहा तो इसको कहाँ पर डालेंगे। लग जा भाई, ये शायद नहीं बैठेगा इधर, नहीं नहीं ये नहीं बैठेगा क्योंकि इसको ना बहुत ही जगह चाहिए, ये नहीं बैठेगा। मैं एक बार देखता हूँ फिर से, ये नहीं बैठेगा। ऑल राइट, ये नहीं बैठेगा सीरियसली, मैं यहाँ पे ट्राई करके देखता हूँ यहाँ पे बैठेगा, बट नहीं इसको हम यहाँ नहीं लगाएंगे। फिर एक मर्सिडीज़ का शोरूम है, मर्सिडीज़ शोरूम मैं ऊपर लगाता हूँ। एक मिनट, मर्सिडीज़ का शोरूम मैं कहाँ पे लगाऊँ, मर्सिडीज़ का शोरूम हम नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा जगह देके थोड़ा वास्तु देके इसको क्लीन से लगाता हूँ। अभी तक के लिए
हम थोड़ा सा टाइम देंगे इस शहर को बढ़ने देंगे। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, बहुत सारे लोग इधर घर बनाएंगे तो फिर हम देखेंगे इधर कैसा बनेगा। ओए होए 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 गाइस, क्या ब्यूटीफुल लग रहा है अपना सिटी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा, मैं थोड़ा सा टाइम लगा के मैंने इसमें कर दिया। तो मैं इसमें मर्सिडीज़ का एक शोरूम भी लगाया हूँ, मैं आपको अगले वीडियो में उसका ज़रूर, उसका एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना के रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देन अगेन आप देख सकते हो स्टेडियम में बहुत सारे लाइट्स हैं। सीरियसली इसमें 35 टूरिस्ट आ चुके हैं, टोटल विजिटर्स 45। तीन ये रही अपनी बिल्डिंग जो हमने डाले थे। फिर मैं इसको कैमरा को थोड़ा सा ऐसा टिल्ट करता हूँ। गाइस आप देख सकते हो क्या प्यारी इस बिल्डिंग्स अपने सारे बन चुके हैं। मैंने इसको छोड़ दिया था एक समवेयर अराउंड, मैंने 2-4 मिनट तक मैंने इसको छोड़ दिया था, फिर मैं दूसरा काम कर रहा था ऑफलाइन में। देन डेफिनेटली ये सिटी बहुत ही खतरनाक उभर के आई है। ये देख सकते हो आप एक सिनेमैटिक व्यू ऑफ इस सिटी का। मैं थोड़ा सा स्टेडियम पे जूम करके देखता हूँ। ऐसे देखना ना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट डेफिनेटली यार सीरियसली काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। इसमें मैच चल रहा है क्या? ओ गाइस अपने स्टेडियम में मैच चल रहा है यार, सीरियसली गाइस अपने स्टेडियम में मैच चल रहा है। मैं इसको देखता हूँ, मैं इसको दिखा नहीं रहा है। ये अभी लोड हुआ शायद, मेरी बिकॉज ऑफ द ग्राफिक कार्ड गाइस। आप मुझे डेफिनेटली देख सकते हो मैं कितनी मेहनत करके बिना ग्राफिक कार्ड के मैं सब खेल रहा हूँ। बट अगेन इसमें मैच चल रहा है, मैं इसको ना थोड़ा सा एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ऑल राइट, देन स्टेडियम के ठीक सामने हमने एक ये चीज़ डाला था, बोटानिकल गार्डन। तो ये भी बोटानिकल गार्डन देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये यहाँ के बिल्डिंग्स पे ना, हर चीज बिल्डिंग्स पे, बहुत सारे बिल्डिंग्स पे ना हेलीपैड बना हुआ है। तो ये सारे बिल्डिंग्स बहुत ही अपग्रेडेड हैं और काफ़ी सारे लोग भी इसमें बच रहे हैं, मतलब जी रहे हैं। तो अपना पॉपुलेशन आप देख सकते हो, टोटल मिला के 3,08,000 पॉपुलेशन हो चुका है। 3,08,000 पॉपुलेशन का, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। देन मैं बिल्डिंग्स पे आपको थोड़ा सा जूम करके देखा हूँ। यहाँ पे आप एक छोटा सा क्रिकेट का एक स्टेडियम टाइप में देख सकते हो, जो मिनी क्रिकेट बोल सकते हैं वैसे पे, या फुटबॉल का, बास्केटबॉल का कुछ होगा। तो ये बिल्डिंग्स पे आप देख सकते हो। ये चीज़ें ना बहुत सारे हाई डेवलप्ड सिटीज़ पे ही होती हैं, तो आप सोच सकते हो किस लेवल का हमने सिटी डेवलप किया है। तिनियरा मर्सिडीज कार का शोरूम मैं आपको दिखाया नहीं पाया था पहले, मैंने इसको डाला था इधर, शायद ये मर्सिडीज का शोरूम मैंने डाला है। मैं ये आपको अगले एक वीडियो में दिखा दूंगा, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। उसका हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मैंने वो रिकॉर्ड करके रखा है, उसको थोड़ा सा ना एडिट करना पड़ेगा। हाँ आप देख सकते हो स्टेडियम में मैच चल रही है, मुझे ये देखा ना बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हो स्टेडियम में मैच चल रही है हम पूरा मैच ना ऊपर से देख सकते हैं ड्रोन शॉट्स में, बट इसमें लोग क्यों नहीं है? मतलब स्टेडियम में लोग तो होने चाहिए, स्टेडियम में मैच चल रहा है मस्त साथ। यार ये गेम ना सीरियसली अमेजिंग गेम है, मुझे बहुत पसंद आया सीरियसली यार गेम। तो मैं थोड़ा सा ना बस का एक व्यू देखता हूँ, मुझे गेम बहुत पसंद आया सीरियसली, सीरियसली बहुत ही मस्त डिटेलिंग गेम। तो अभी हम बस का एक व्यू देख रहे हैं। अरे मैं जा रहा हूँ, ये रहा अपना सिटी जो काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। जैसे बहुत सारे पार्किंग पे बहुत सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खड़ी हैं, मैंने सिटी में बहुत सारे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही यूज़ करने दिया। ऑल दो मैं रियल लाइफ में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को हेट करता हूँ, मुझे पसंद नहीं ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, बट अभी गेम में मैं इसको इसी को बता रहा हूँ। कुत्ता लेके जा रहा है, शायद से सिग्नल पड़ा। ठीक है, तो ये रहा एक बस का। हाँ वेल ऑल राइट, दिस इज़ आवर सिटी जो काफ़ी अच्छी लग रही है सीरियसली यार, बहुत ही मस्त लग रहा है। देख सकते हो क्या मस्त नज़ारा यार, नाइट का तो सीरियसली मज़ा बहुत है देखने में इस सिटी को। तो ऑल राइट गाइस, आज के वीडियो में बस सेंड करते हैं, यहीं तक था। फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें को हमें ऐड करना पड़ेगा। ये सिटी तो हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ये वैसे भी मस्त सा वेल डेवलप्ड हो चुका है। फिर हम इसको थोड़ा अपग्रेड करेंगे। फिर मैं क्या सोच रहा हूँ, एक इधर हम एक चीज़ बनाएंगे और इंडस्ट्री या फार्मिंग वगैरह कुछ डालते हैं उसमें, कुछ वेयरहाउसेस का भी दिक्कत है, मुझे बनाना पड़ेगा। फिर इधर थोड़ा फ्लडेड, यार ये फ्लडेड कैसे हुआ इधर पे, ये मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा प्रॉब्लम, क्योंकि अगर फ्लडेड हो गया तो मुझे आई गेस ठीक करना पड़ेगा। तो वेल डन गाइस, मैं थोड़ा इसको ठीक करता हूँ फ्लडेड एरिया को, फिर हम देखते हैं अगले वीडियो में देखेंगे क्या करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत ही छोटा चैनल है, सब्सक्राइब कर दो।